हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट। महाराजा अवतार गली नंबर 8। माई सेल्फ आशुतोष सागर, डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट। हम लोग क्लास 12 के टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ चुके हैं। आवायु पढ़े 3.3 चल रहे थे, बीच में कुछ दिन गैप हो गया। उससे कोई बात नहीं, गैप देने के कारण यह हो गया था कि मैं फिर से इसको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, सोचा कि स्लो थोड़ा कर, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि अगर 15 जुलाई तक भी अगर क्लास खुलेगा, फिर भी मैं एकदम रिवीजन कराते हुए 25 से 30 दिन पहले कोर्स को दायरी करूंगा, ठीक है। और इतना आप लोग निश्चिंत रहिए, या तो सिलेबस कम होगा सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा, या तो सिलेबस कम की जाए या फिर समय को बढ़ाया जाएगा। यानी जो एग्जाम फरवरी में होता था वो फरवरी में ना हो के मार्च में हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस जितना धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं चाहे जो भी डाल रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। हम लोग परिवर्तन पढ़ रहे हैं, अवयु का परिवर्त। अवयु का परिवर्त के मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल देना और स्तंभ को पंक्ति में बदल देना। और परिवर्त को जिस चीज से दर्शाया जाता है ए डैश चाहे के पावर टी से, ठीक है। क्वेश्चन छठा नंबर, चार पांचवा नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तीसरा या चौथा तक बता चुके थे, और चौथा और पांचवा उसी की तरह था, बोले थे कि बना लीजिएगा, तो उसको बनाए होंगे मेरे ख्याल से। छठा का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं पहला नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, 6 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, सत्यापित करें कि a' बराबर i, a' बराबर i का परिवर्त गुना a बराबर i, i माने तत्सम अवयव। सुनिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले मुझे a' लिखना है। a' का मतलब a का परिवर्त, यहाँ cos अल्फा है, ये sin अल्फा को मैं यहाँ कर दिया, ये माइनस sin अल्फा मैं यहाँ पर लिख दिया, और ये cos अल्फा मैं यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये हुआ a', और ए फिर ए डैश गुणा ए, ए माने साइन, ए माने तुम्हारी जो अपना क्वेश्चन में दिया होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए अब गुणा करते हैं, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुणा कीजिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा कीजिएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर बात है। फिर cos अल्फा के sin अल्फा से गुणा कीजिएगा cos अल्फा * sin अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा में cos अल्फा से गुणा कीजिएगा माइनस sin अल्फा * cos अल्फा, sin अल्फा में cos अल्फा से पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, sin अल्फा में cos अल्फा से तो sin अल्फा cos अल्फा, फिर cos अल्फा में sin अल्फा से तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा में साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, सबको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। यहाँ जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, तो ये तो चीज तत्समक अवयव का है, यानी ए डैश ए, ए का परिवर्त गुना ए बराबर क्या होगा आई, क्लियर बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से आप लोग छठा बना चुके हैं। छठा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या छठा का दूसरा क्वेश्चन आ गया जी। सातवां का पहला क्वेश्चन अवयव ए सममित अवयव सिद्ध करना है, और दूसरा में जो दिया है वह ये विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। सममित अवयव का मतलब होता है बाबू कि ए का परिवर्त बराबर है,
थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि यदि इसका परिवर्त भी निकालते हैं और इसी के बराबर आ जाता है तो सममित आवर्त चार है, चार है। जो A12 का बैठा रहेगा वही A21 पर होना चाहिए, जो A31 पर होना चाहिए यही 13 पर होना चाहिए, जो A23 पर है वह A32 पर रहे, तो इसको सममित आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो मैं या तो ये वाला लीजिए कि परिवर्त निकाल के दिखा दीजिए इसके बराबर, हाई तो ये विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव का तो कोई चर्चा ही नहीं करना है। 1 2 3 1 2 3, 1 2 1 3, ये 2 1, जैसे A1 1 2 -1, 1 2 1 पर भी -1 है, यदि A1 3 5 तो A31 पर भी 5 होना चाहिए जो कि है ही, A23 1 तो A32 पर भी क्या होना चाहिए 1 है। जब इस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब कि A सममित आवयव है, सममित आवयव है। कोई कोई किताब में क्या करता है इसका परिवार कर देता है। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर दो ए का परिवर्त 1 पंक्ति पोस्तव में -1 5, इसको फिर इसको -1 2 1, फिर इसको 5 1 3। देखिए तो क्या वही चीज है, हाँ, यानी ए का परिवर्त किसके बराबर आ गया है, या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, क्लियर बात है। दूसरा बात बाबू ए ए दिया हुआ है, अब इसको मुझे सिद्ध करना है, समझा ना, जब ए अब इसको विषम सममित दिखाना है, विषम सममित का मतलब क्या, ए का परिवर्त बराबर माइनस है, ठीक है, या फिर आप कह सकते A12 पर जो रहेगा वो -A21 के बराबर होना चाहिए, माने A21 तो वही होगा लेकिन केवल चिन्ह बदला रहेगा, जो A13 पर हो वही A31 पर है लेकिन चिन्ह बदला रहे, जो A23 पर हो वही A32 पर है चिन्ह बदला रहे। और एक चीज है कि जो इसका मुख्य विकर्ण है वो जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखिए तो ये बताइए चाहिए, तो मैं यही चीज को दिखाता हूं, A11, A12, A33 0 है कि नहीं है। चलिए A12 पर अगर 1 है, A21 पर 1 जो आएगा, 1 जो है 1 को थोड़ा माइनस के रूप में माइनस गुना माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस आने दीजिए, माइनस 1 देखिए तो A21 है, दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ हो गया कि नहीं, उसी तरह से A13 -1 के बराबर, तो माइनस रहने दीजिए, और 1 क्या है, ये देखिए 1 है ना, तो 3 1, उसी तरह से आप A23 लीजिएगा, तो A23 पर जो है आपका 1 है, 1 को माइनस के रूप में कीजिए तो माइनस, ये A32 होगा, देखिए अच्छा समझ गया। तो ये जो चीज है ये है विषम सममित आवयव, चाहे इसी को आप जब परिवर्त कीजिएगा तो परिवर्त भी माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग विषम सममित कहेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन नंबर, अवयव ए बराबर दिया है 5 6 7, सिर्फ क्या करना है सत्यापित कीजिए कि ए प्लस एड सममित है और ए माइनस एड विषम सममित है। चलिए सबसे पहले मैं लागू, मैं ए लिया ए प्लस एड ए मान 1 5 6 7, ठीक है, प्लस ए डैश इसका परिवर्त निकालिए 1 5 6 7, जब मैंने जोड़ा 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14, ठीक है। तो सममित का मतलब क्या, जो A12 पर वही A21 पर,
A12 पर 11 है, फिर A21 पर भी 11 होना चाहिए, फिर 12 तो 13 तो है ही नहीं, 2 बाई 2 का है, तो 2 बाई 2 में यही मिलाना है, बराबर है, विकर्ण आवायु कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब कि A प्लस A डैश जो है क्या है, सममित है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, A माइनस A डैश पाइए, A मतलब 1, 5, 6, 7, A डैश तो आप निकाल ही दिए हैं, 1, 6, 5, 7, जब घटाइएगा तो 1 में से 1 या 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0, चलिए, विषम सममित का नियम है कि A11, A22, 0 होके के चाहिए, 2 बाई 2 एक कोटि का है ना जी, तो 2 एक ना 1, 1, 2, 2, सही है, दूसरी बात, A12 पर जो है माइनस 1 है, तो A21 जो होना चाहिए, इसका माइनस होना चाहिए, जो साइन बदला होना चाहिए, साइन बदला होना चाहिए, तो माइनस का प्लस है यहाँ पर, यानी माइनस ए टू वन के बराबर कह सकते हैं, देखिए देखिए माइनस पर अभी कीजिए वन, तो माइनस वन की जगह क्या बोल सकते हैं, वन ए टू वन नहीं है, तो ए वन टू माइनस ए टू वन के बराबर है, इसका मतलब कि ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है, आगे ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलिए 9 नंबर की तरफ, देखिए जी तो मुझे निकालना है दिया हुआ है क्वेश्चन की ए बराबर है, एक मिनट रुकिए, हाँ सही है, ए बराबर है 0ab -a0c -b -c0, मुझे ए प्लस ए डैश का हाफ बताना है और ए माइनस ए डैश का हाफ बताना है, आप लोग एक वो प्रॉपर्टी की तरह भी याद रखिए, यदि एक कोई वर्ग आवयु है तो ए प्लस ए डैश सममित होगा, ए माइनस ए डैश भी सम सममित होगा, याद रखिएगा वो गुण की तरह भी, तो मुझे ए प्लस ए डैश बताना है, पहले ए प्लस ए डैश माने 0ab -a0c -b -c0, प्लस ए डैश बदलिए 0ab -a0c -b -c0, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 0 में 0 जोड़िएगा 0, a में माइनस a जोड़िएगा 0, b में माइनस b जोड़िएगा 0, माइनस a में a जोड़िएगा 0, 0 में 0 जोड़िएगा 0, c में माइनस c जोड़िएगा 0, माइनस बी में प्लस बी जोड़िएगा 0, माइनस सी में प्लस सी जोड़िएगा 0, 0 में 0 जोड़िएगा 0, मैंने पूरे के पूरे शून्य हो, अब 1/2 ए प्लस ए डैश आप और भी रहे हैं, तो 1/2 ए प्लस ए डैश कितना है जी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, टोटल गुणा भी कीजिएगा तो भी जम जाएगा 0 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
कोई दिक्कत? बड़े आगे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्लियर आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से जैसे ए माइनस ए एस है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। जब आपने माइनस लगाया, जब माइनस लगाया तो देखिएगा आप, जब माइनस लगाइएगा तो क्या होगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, ए माइनस माइनस प्लस टू ए, बी माइनस माइनस बी टू बी, माइनस से माइनस से माइनस टू ए, जीरो माइनस जीरो जीरो, सी माइनस माइनस प्लस टू सी, ठीक है, माइनस बी माइनस माइनस टू बी, माइनस सी माइनस टू सी, सी जीरो माइनस जीरो जीरो, ये तो वन बाई टू जीरो टू ए टू बी माइनस टू ए जीरो टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी जीरो। अब देखिए एक बटा दो में जीरो से गुणा कीजिएगा जीरो, एक बटा दो गुना दो है, दो से दो कट गया ए आएगा, फिर उसी तरह एक बटा दो गुना दो भी बी आएगा, एक बटा दो गुना माइनस टू है माइनस ए आएगा,
जीरो, सी ठीक है, माइनस बी माइनस सी जीरो, और ये तो आपको ख्याल से मेरा ये खुद आ गई हुए ए, बस समझ में आ गया, यानी वन बाई टू ए माइनस ए डैश जो आया कितना आया ए, क्लियर बात है। तो कितना भी कोटि कैसा दे बाबू, जब जोड़ घटाव गुणा आता है आपको करने के लिए, तो इसमें कुछ मेरे ख्याल से दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। बड़े आगे चलिए, आगे आते हैं थोड़ा सा, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन, दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी सममित दिया है उस सममित को एक सममित और जो भी अवयव दिया है, सॉरी जो भी अवयव दिया है वर्ग अवयव, उसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के युगफल के रूप में व्यक्त करना है। भाई दो बाई दो कोटि का है, तीन बाई तीन कोटि का भी रहेगा तो वैसे ही करेंगे। तो दस नंबर क्वेश्चन में चार जो है ये आपको कीजिएगा, मैं एक बता देता हूँ। देखिए कुछ प्रॉपर्टी में इस प्रकार से बताया था, कुछ अगर याद होगा तो, जब मैं गुणधर्म बता रहा था सममित का, तो ये वर्ग अवयव है इसको सममित अवयव कहते हैं और इसको विषम सममित अवयव कहते हैं, और इस वर्ग अवयव को सममित प्लस विषम सममित के रूप में व्यक्त करना। मतलब मुझे अगर इसको ए मान रहे हैं तो मुझे ए बराबर एक बटा दो ए प्लस ए डैश जो एक बटा दो ए माइनस ए डैश के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं ए प्लस ए डैश निकालता हूँ, तो ए माने तीन पांच एक माइनस एक, बी ए डैश माने तीन पांच यहाँ चला गया एक माइनस एक यहाँ आ गया, तो तीन प्लस तीन छ, पांच एक छ, पांच एक छ माइनस एक माइनस एक माइनस दो हो गया। देख लीजिएगा तीन तीन छ पांच एक छ, पांच एक छ सही है, सही है ना। अब मैं वन बाई टू ए प्लस ए डैश यदि करता हूँ तो इसका एक नाम पी दे दे रहा हूँ, जो पी मैंने किया तो एक बटा दो छ छ छ माइनस दो छ तीन 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 माइनस एक, अब पी आया तो पी डैश कितना आ जाएगा जी, तो तीन 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 माइनस वन, यानी वही है पी डैश बराबर पी, यानी जो P है वो सममित अवयव, क्या है सममित अवयव है, और P मान P है कौन जी, एक बटा दो ए प्लस ए डैश, क्लियर बात है। मैं थोड़ा इसको साइड में लिख रहा हूँ, जो मेरा P का वैल्यू आया है, P मान एक बटा दो ए प्लस ए डैश का जो वैल्यू आया है वो आया है तीन 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 माइनस तीन, ठीक है क्लियर बात, कोई दिक्कत। अब मैं मिटा रहा हूं सममित अवयव, क्लियर हो गया कि यह सममित अवयव है और मुझे इस अवयव को सममित प्लस विषम सममित के बराबर करना है। देखिएगा अब यहां थोड़ा देखिए, अब मुझे a माइनस a डैश निकाला, a माइनस a डैश तो याद है 1 बटा 2 a प्लस a डैश, अब 1 बटा 2 a माइनस a डैश निकालना है, तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो तीन में से तीन गया जीरो, पांच में से गया चार, एक में से माइनस पांच गया तो माइनस चार, और माइनस एक माइनस माइनस एक माइनस एक माइनस 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 प्लस माइनस एक प्लस एक जीरो। बाबू देखिए यहाँ पर, अब मैं वन बटा टू ए माइनस ए डैश कर रहा हूँ, तो वन बटा टू गुना जीरो जीरो, वन बटा टू गुना चार दो, वन बटा टू गुना माइनस चार माइनस दो, वन बटा टू गुना जीरो जीरो, क्लियर बात है। अब ये बात बताइए, इसको मैं क्यू जल्दी कर दू तो क्यू डैश जो आ रहा है मेरा कितना आएगा, जीरो टू माइनस टू जीरो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू तो जीरो, इसमें से माइनस गया तो प्लस, इसमें से माइनस गया तो माइनस, प्लस है तो माइनस जीरो, माइनस लाने दीजिए, और ये वाला चीज तो देख रहे हैं कि आप ये है, और ये नाम किसका है क्यू का, क्यू डैश किसका आ गया माइनस क्यू के बराबर, अच्छा एक बटा दो पहले कर, हाँ सही है ठीक है, क्यू डैश किसके बराबर आ गया माइनस क्यू के बराबर, इसका मतलब जो क्यू जो है क्या है सममित अवयव है, सममित अवयव है,
अब मुझे क्या दिखाना है, सॉरी विषम सममित, विषम सममित, अब मुझे सममित और विषम सममित को जोड़कर जो क्वेश्चन है वो ला देना है। देखिए बोलिए राहुल, अब आइएगा थोड़ा सा, वन बटा दो ए प्लस ए डैश जोड़ एक बटा दो ए माइनस ए डैश, एक बटा दो ए प्लस ए डैश कितना आया जी, एक बटा दो ए प्लस ए डैश कितना आया था, मिल गया, अच्छा साइड में लिखा होगा, वन बटा टू ए प्लस ए डैश जो है वो कितना आया था, तीन 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 माइनस वन, तीन 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 माइनस वन, और एक बटा दो ए माइनस ए डैश कितना आया है, तो जीरो दो माइनस दो जीरो, यही ना, ये सममित है ये विषम सममित है, तीन में जीरो जोड़िएगा, तीन तीन में दो जोड़िएगा, पांच प्लस नाइन, तीन में से दो गया एक माइनस एक प्लस जीरो माइनस से, बोलिए, और ये मेरा क्वेश्चन के बराबर है भैया, ठीक है। तो आप लोगों ने दिखा दिया कि जो वर्ग अवयव दिया था वो सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के बराबर है, तीन कोटि का भी आएगा डाटा, तो आप यही करते पहले गुण लिखवाया था, सममित और विषम सममित अवयव के जिस दिन गुण धर बताए थे उस दिन गुण बताए थे, लेकिन आइए अब सिद्ध करते हैं, विषम सममित जिसको विषम सममित करना है वही चीज गुना माइनस से कर दीजिए, जैसे ए को विषम सममित दिखाना है तो ए का परिवर्त बराबर माइनस से बता दीजिए, मुझे इसको विषम सममित सिद्ध करना है तो इसका परिवर्त बराबर खाली माइनस लगा दीजिए, अगर ये हो गया तो विषम सममित, तो ये तो आपको रटना है, रट लीजिए, मैं सीध बता दे रहा हूं, सबसे पहले मैं इसका परिवर्त कर रहा हूं, जैसे मैंने इसका परिवर्त किया तो ये हो गया ab का परिवर्त माइनस ba का परिवर्त, ठीक है, याद है आपको तो ab का परिवर्त गुना गुणधर में ba का परिवर्त गुना a का परिवर्त, ये हो जाएगा a का परिवर्त गुना ba का परिवर्त, अब आपको ये मालूम है कि यदि a और b सममित अवयव है तो ए का परिवर्त ए के बराबर होगा, बी का परिवर्त बी के बराबर होगा, क्योंकि ए और बी जो है क्या है, ए और बी क्या है, सममित है, सममित के मतलब परिवर्त भी उसी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, बी का परिवर्त बी, माइनस कॉमन ले लिए ए बी माइनस क्या हो गया बी, देखिए तो इसका परिवर्त माइनस के बराबर हो गया, जब माइनस के बराबर हो गया तो क्या चीज हो गया, विषम सममित हो गया, क्लियर बात है, कोई दिक्कत, लास्ट 3.3 का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बीबीआई बस बीबीआई 11 में भी डाल दीजिए 12 में भी डाल दीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, a बराबर ये कह रहा है कि a प्लस a डैश बराबर i का अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने a प्लस a डैश बराबर i कह रहा है, a के जगह पर है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश माने परिवर्त, इसका परिवर्त कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये वाला यहाँ देखा, ये चला गया वहां साइन अल्फा कॉस अल्फा, आई माने तत्समक अवयव एक जीरो जीरो एक, अब यदि आप ये दोनों को जोड़िएगा यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़िएगा तो टू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा जोड़िएगा जीरो, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जीरो, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा, और यहाँ पर हो गया वन जीरो जीरो वन, ठीक है, ये दो अवयव हुआ और दोनों अवयव आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होता है, मतलब यदि टू कॉस अल्फा ये संगत है, टू कॉस अल्फा का संगत ठीक है, जीरो 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 टू कॉस अल्फा के संगत ठीक है,
टू कॉस अल्फा बराबर एक, तो कॉस अल्फा बराबर एक बटा दो। अब ध्यान दीजिए, कॉस के भाषा में एक बटा दो 60 डिग्री का मान होता है, पाई बाई तीन। अल्फा का मान कितना आ गया, पाई बाई तीन। जहाँ पाई बाई तीन है ऑप्शन मान लीजिए कि ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग अवयव का 3.3 भी खत्म हुआ। अब हम लोग कल जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो अवयव का 3.4 रहेगा, यानी प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम। ठीक है, थोड़ा सा 3.4 बनाने में भयंकर है, लेकिन इसका इजी भी हम लोग जब सारणिक चैप्टर पढ़ेंगे इजी तरीका मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि मेथड का नाम पूछता है। तो जब मेथड का नाम नहीं पूछता है तो आपको जिस मेथड से आप प्रतिलोम निकालना होगा अवयव का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कल 3.4 चलेंगे। वीडियो आप लोग पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है, बिना कोई डिस्टर्ब। ओके, रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।